अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डाटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल लेयर के एक नए टॉपिक की तरफ, यानी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की तरफ। तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होती हैं और हमारे किस तरीके से इन पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट का जो डिक्शनरी मतलब है वो है डैमेज, ठीक है। तो ट्रांसमिशन प्लस इम्पेयरमेंट, यानी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का मतलब क्या हो गया, ट्रांसमिशन को डैमेज, यानी हमारी जो ट्रांसमिशन है या हमारा जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि किस तरीके से होता है, उसको किस तरीके से डैमेज होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर ट्रैवल करते हैं, यानी ट्रांसमिशन मीडिया के अलावा नहीं करते, चाहे वो एयर हो या कुछ भी हो, या हमारा जो भी सिग्नल है, ठीक है, किसी ट्रांसमिशन मीडिया के, यानी वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। वैक्यूम में भी करते होंगे, लेकिन ये एक हम एक एडवांस लेवल का टॉपिक नहीं बल्कि बिगिनियर लेवल का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होता है, ठीक है। वैक्यूम के बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ए बिगिनर जो कि कहा जाता है कि हम पहले यही कहूँगा कि ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमूमन एक हम में जो ट्रांसमिशन मीडिया में सबसे ज़्यादा जो परफेक्ट माना जाता है वो कॉपर माना जाता है, लेकिन कॉपर भी आप देखते होंगे कि 100% परफेक्ट नहीं होती। तो कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया है वो 100% परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी होंगी या फिजिक्स के अंदर पढ़ी होंगी। तो इसी तरीके से ट्रांसमिशन मीडिया हमारा जो हमें वो कभी इस तरह का परफेक्ट नहीं मिलता, या मिलता भी है तो उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होती है, या परफेक्शन थोड़ी सी कुछ इम्प्योरिटी डली होती है, ठीक है। बज़ाहिर हम लोगों को महसूस नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है, तो उसकी वजह से सिग्नल के डैमेज होते हैं या सिग्नल इम्पेयर होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या डैमेज होता है, जब सिग्नल डैमेज होता है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। सिग्नल अगर डैमेज होता है तो आप जैसा कि कभी कभार कॉल कर रहे हो सेलफोन पर, तो आपका सिग्नल डैमेज हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, तो आप लोगों की कॉल डिस्टर्ब्ड होती है, आप लोगों की आवाज़ नहीं जा रही होती, या उस अगले को पहुंच नहीं रही होती। इसी तरह का आप अपना यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सिग्नल डिस्टर्ब्ड हो गया, तो आप देखते हैं कि आपका इंटरनेट यूज़ होना बंद हो गया, बल्कि कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई है। तो ये कुछ होते हैं इस तरीके से। अगर कभी कभार आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेज रहे हैं, या कॉल कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं, तो वो एज ए फॉर्म ऑफ सिग्नल जैसा कि प्रोसेस हो रही थी, अगले बंदे को काट के सुनाई दे रही होती। तो ये क्या होती है, ये होती है इम्पेयरमेंट, यानी जो हमारा शुरू में जहाँ से आवाज़ सेंड हुई है या हमारा सिग्नल सेंड हुआ है वहाँ से वो जो सिग्नल हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन जब वो दूसरी डिवाइस पे पहुँचा तो चाहे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट थी या ट्रांसमिशन मीडिया में कुछ कोई प्रॉब्लम थी या इम्पेयरमेंट थी, तो हमारा जो एंड वाला मीडियम है या जो रिसीवर है उसके पास वो चीज़ वैसी को वैसी नहीं पहुंची। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में हम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की जो वजूहत हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट होती किन किन चीज़ों से है। पहली है अटेनुएशन, दूसरी है डिस्टॉर्शन, और तीसरी है नॉइस, ठीक है। ये क्या है, इनके बारे में मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है, इनको वन बाय वन मैं कवर करूँगा। तो ये वो बेसिक तीन वजूहत हैं जिनकी वजह से अटेनुएशन होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो नए लोग हैं हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पहले टॉपिक यानी अटेनुएशन से शुरू करेंगे और इन तीनों को वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में मैंने क्यों नहीं कवर किया, तो उसकी वजह यह है कि ये थोड़े से लंबे से टॉपिक हैं, आप लोग थोड़े से बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।